एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम नेहा नागरानी है एंड वेलकम टू दिस वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस चैनल, जहां आपको सारे सब्जेक्ट्स 11, 12 के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट के वीडियोस, फुल कोर्स वीडियोस। अब हम अपनी अकाउंट्स की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अकाउंट्स की क्लास में अभी हम पार्टनरशिप बेसिक्स कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 11th इलस्ट्रेशन तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम उसके आगे इलस्ट्रेशन पे मूव करेंगे। ओके, किसी को कोई भी दिक्कत है अगर यहाँ तक, तो कमेंट सेक्शन में वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है और अब हम इसके आगे के इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। ओके, इलस्ट्रेशन 12, ठीक है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। देखो अभी क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, जिसका हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन भी कर चुके हैं। हम उसी कॉन्सेप्ट पे भेज रहे हैं ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी। जॉन एंड मैथ्यू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ओके, मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है, हम लोग लिख लेते हैं इसे, ठीक है। उन्होंने एडमिट किया मोंटी को अपने फॉर्म में 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। मतलब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका था? जॉन का एंड मैथ्यू का। ओके, अब इन्होंने किसको एडमिट किया? मोंटी को एडमिट किया, मोहन टी, ठीक है, जिसका 1/6 शेयर है। ओके, चलो इतना तो हो गया। अब जॉन, ये जॉन ने पर्सनल गारंटी दी है मोंटी को शेयर ऑफ प्रॉफिट में, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 30,000 इन एनी ईयर। मतलब जितना भी प्रॉफिट आता है उसमें से जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो सारे पार्टनर्स को मिल गया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है, जितना भी प्रॉफिट आता है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचता है, गारंटी दी है जॉन ने मोंटी को कि उसमें उसका शेयर कम से कम 30,000 आएगा। अगर नहीं आया तो उसकी डेफिशिएंसी को कौन बेयर करने वाला है? जॉन बेयर करने वाला है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, फिर से इस लाइन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, जॉन पर्सनली गारंटेड दैट मोंटी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% वुड नॉट बी लेस देन 30,000 इन एनी ईयर। किसी भी साल इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद जो भी प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें मोंटी का शेयर 30,000 से कम नहीं होगा। इसकी गारंटी किसने दी है? जॉन ने दी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैपिटल कितनी कितनी है? जॉन की है 250, मैथ्यू की है 2 लाख एंड मोंटी की है 1,50,000। और कोई भी विड्रॉल या एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो पूरे साल यही कैपिटल रही है और इसी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना आया है? 1,50,000 का आया है इंटरेस्ट प्रोवाइड करने से पहले, ठीक है। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस केस में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना नहीं है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, लेकिन इसमें हमें नहीं करना है। हमें इसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, विच इज 3:2:1, ठीक है। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले हम लोग कुछ नोट्स बना देंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? अब 3:2 ओल्ड रेशियो है, विच इज नॉट रिलेवेंट नाउ, क्योंकि अब नया रेशियो तो आ ही गया है, ठीक है। 10% का ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो रिलेवेंट है, जो कितना है 3:2:1। ओके, 3:2:1, अब तो ये वाला रिलेवेंट है, ठीक है।
उसके बाद 10% है, तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, राइट? तो जॉन, मैथ्यू एंड, ठीक है, अब हमें ये देखना है, ठीक है, कुछ नहीं दिया कि मॉन्टी कब एडमिट हुआ है इस पार्टनरशिप फर्म में, तो हम मानेंगे कि वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही एडमिट हुआ है, ईयर की स्टार्ट में एडमिशन उसका हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, नहीं दिया ना इस क्वेश्चन में कि वो कब एडमिट हुआ है, कब आ रहा है पार्टनरशिप में, तो हम क्या मानेंगे कि जो हमारा ईयर है, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है जिसमें हम पूरे अकाउंट बनाते हैं, उस साल के वो स्टार्टिंग में ही एडमिट हुआ है, फर्स्ट डे पे ही एडमिट हुआ है, ठीक है। ओके चल, अब कितना कितना कैपिटल है, 2,50,000, 2,00,000 एंड 1,50,000, ठीक है। टू लैख फिफ्टी थाउजेंड, 2,00,000 एंड 1,50,000, राइट। चलो अब इसमें हम पहले इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। 2,50,000 का 10% कम्स टू 25,000, 2,00,000 का 20,000, इसका 15,000, ठीक है। ये टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ओके चलो अब हम बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब अगर हम लिखे बाय प्रॉफिट, तो 1,50,000 का था प्रॉफिट, ठीक है, 1,50,000 का ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, यस 1,50,000 का ही था। ओके चलो पहले अब ये इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो जॉन का कैपिटल, मैथ्यू का कैपिटल एंड मोंटी का, तीनों का ही बढ़ेगा इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए, तो एक्सपेंस हो गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाला एक्सपेंस, लेकिन पार्टनर्स के लिए तो अच्छा हो गया, उनका कैपिटल बढ़ेगा बिकॉज उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, ठीक है। कितना मिल रहा है भाई, 25,000, 20,000 एंड 15,000, राइट। तो 25 प्लस 20,000 प्लस 15,000 अमाउंट टू 60,000, ठीक है। मतलब अब कितना प्रॉफिट बच गया, 1,50,000 माइनस 60, दैट इज 90,000 का प्रॉफिट बच गया, जो इन तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनको मिलेगा, ठीक है। ओके जी, अब अगर मैं नोट में यहाँ पे निकालू, इस इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, मतलब जॉन का शेयर निकालू अगर मैं, तो वो कितना आता है, 90,000 का 3/6, राइट, ठीक है, यही आता है, कितना आएगा ये 90,000 इंटू 3/6, 45,000, ठीक है जी। उसके बाद मैथ्यू का निकाल लेती हूँ, मैथ्यू का शेयर जी कितना आ रहा है, 90,000 का 2/6, विच कम्स टू आई गेस 30,000, आई गेस नो 30,000, राइट। उसके बाद का निकाल लेती हूँ, 90,000 बाय 1/6, 15,000। ओहो अब देखो ये क्या हो गया, जॉन ने तो गारंटी कितनी दी थी, 30,000 की, लेकिन इनका प्रॉफिट शेयर कितना आ रहा है, 15,000, मतलब इसको और 15,000 मिलेंगे। अब ये और 15,000 मिलेंगे कहाँ से, जॉन इस डेफिशिएंसी को बेयर करेगा, मतलब जॉन अपने 15,000 दे देगा, किसको दे देगा, मोंटी को दे देगा, और 15,000 इसका शेयर बढ़ जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे टू जॉन, ठीक है, यहाँ अंदर लिखेंगे 30,000, फिर माइनस करेंगे, सॉरी 45 है ना उसका, 45 15,000, विच इज शेयर ऑफ डेफिशिएंसी, ठीक है, उसका डेफिशिएंसी का शेयर, तो ये कितना आ गया, 30,000, ठीक है। और मैथ्यू का, तो मैथ्यू ने तो भाई कोई गारंटी दी नहीं है, उसका तो 30,000 ही रहेगा, और कौन है मोंटी, ठीक है, इसका आ तो 15,000 रहा था, लेकिन इसमें हम और 15,000 जो जॉन ने दिए वो ऐड करेंगे, मतलब 30,000, राइट, ठीक है।
तो देखो इस क्वेश्चन में एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। सिंपल दिया हुआ है, एक नया पार्टनर आ रहा है, उसके आने का तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो भी दिया है, और ये दिया है कि एक पार्टनर विच इज जॉन, उसने गारंटी दे दी इस नए पार्टनर को मोंटी को कि भाई जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें तेरा शेयर कम से कम 30,000 का होगा। अगर नहीं आया तो इस डेफिशिएंसी को कौन बेयर करेगा? जॉन बेयर करेगा। तो नहीं आ रहा है, उसका शेयर 15,000 आ रहा है, तो इस और 15 देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? जॉन को देने पड़ेंगे। तो जॉन का कैपिटल कम होगा और मोंटी का कैपिटल बढ़ जाएगा 15 से। कैपिटल क्यों बढ़ रहा है मैम? प्रॉफिट जाता किसमें? पार्टनर्स के कैपिटल में ही तो जाता है, ठीक है। एक बार हम इसका प्रेजेंटेशन इलस्ट्रेशन में देख लेते हैं। ध्यान से देखो, P&L एप्रोप्रिएशन वही डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट उठ के आया 1,50,000। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जॉन मैथ्यू, ये हमने कर लिया, 90,000 है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट शेयर्ड इन्फो, दैट इज कि इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना ये प्रॉफिट। अब जॉन का शेयर कितना है? 45, जिसमें से उसकी डेफिशिएंसी माइनस करेंगे कितना आ गया? 30। मैथ्यू का 30 आ रहा है, मोंटी का 15 है, एड डेफिशिएंसी जो हमें जॉन से रिसीव हो गई है, राइट। तो 30,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे पहले हम गारंटी वाला इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू 13th क्वेश्चन। चलो अब 13th क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या डेटा हमें दिया हुआ है। महेश एंड दिनेश शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, ठीक है। 2:1 में ये बेचारे अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। Jan 1, 2014 से उन्होंने राकेश को एडमिट किया इनटू देयर फर्म विच हैज टू बी गिवन अ शेयर ऑफ 1/10 ऑफ द प्रॉफिट। राकेश को अपना पार्टनर बनाया, एडमिट किया, कितने शेयर के लिए? 1/10 शेयर के लिए, ठीक है भाई। राकेश आ गया और उसको गारंटी करिए मिनिमम 25,000 की, मतलब 1/10 शेयर के लिए आया और गारंटी भी दी है 25,000 की, ठीक है, ओके। महेश एंड दिनेश कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एज एग्री, मतलब इसका मतलब क्या? ध्यान से सुनना, इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज होगा, क्यों मैम? बिकॉज न्यू पार्टनर आ गया है ना भाई। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि महेश एंड दिनेश जो हैं उनका आपस में जो शेयर है वो सेम है, दैट इज 2:1 ही है। वो जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो 2:1 है। अगर ये नहीं भी दिया होता तब भी तो हम यही अज्यूम करते हैं। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला था तब भी तो हम यही अज्यूम करते थे कि जो नया रेशियो आ रहा है, मतलब जो बचा हुआ प्रॉफिट है, वो ये पुराने रेशियो में ही शेयर करेंगे। अभी जब मैं फिर से आपको प्रॉफिट शेयरिंग बताऊंगी, निकालना सिखाऊंगी, उसमें हम इसे डील करेंगे, ठीक है। कोई नहीं है, बहुत इजी पॉइंट है, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? ओके जी, लेकिन दिया है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो, जो भी डेफिशिएंसी अगर राकेश को हुई उसका शेयर 25,000 का नहीं निकला तो उसे बेयर कौन करने वाला है? महेश एंड दिनेश बेयर करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है किस रेशियो में बेयर करने वाले हैं, गारंटी ऑफ राकेश इन द रेशियो 3:2। एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू राकेश इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो, अगर राकेश को जितनी गारंटी दी है उस प्रॉफिट में कमी आ गई तो उसको बेयर महेश एंड दिनेश करेंगे, लेकिन किस रेशियो में करेंगे? 3:2 के रेशियो में, ओके, ठीक है। प्रॉफिट जो है 15, मतलब ये पूरा साल Jan 14 से 31st ईयर में ये लोग इतनी गड़बड़ करते हैं, इतनी गड़बड़ करते हैं। 1 Jan 14 से 31 December 15 कैसे हो सकता है? 1 Jan 14 से यहाँ तो 31 December 14 हो सकता है, ठीक है, या तो यहाँ 1 April 14 दिया होता तो 31 March 15 होता, राइट। इसको आप पूरा एक साल ही मानना, डेट्स में गड़बड़ है, ठीक है। चलो ओके, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। दिया नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें दिया था, इस क्वेश्चन में हमें नहीं दिया है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम पहले भी कर चुके हैं ऐसे। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अगर हम पार्टनर्स के सबके शेयर को एक माने, सारे पार्टनर्स का जितना भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है सब मिला दिया जाए, उसे 1 माने, मतलब टोटल शेयर हमारा हो जाए 1, ठीक है।
और इसमें जो राकेश का शेयर है वो है 1/10, तो बचा हुआ शेयर कितना होगा, 1 - 1/10, दैट इज 9/10, राइट। टोटल शेयर अगर सारे पार्टनर्स का 1 है, उसमें से 1/10 तो हम राकेश को ही दे रहे हैं, हटा दो, तो बचा हुआ कितना है 9/10। ये कौन शेयर करने वाले हैं, ये महेश एंड दिनेश का है, ठीक है। किस रेशियो में ये 9/10 को शेयर करेंगे, अपने पुराने रेशियो में 2:1। यही मैं आपको बोल रही थी कि शेयर तो बदला है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, पूरा टोटल शेयर 1 है, जिसमें 1/10 तो हमने राकेश को दे दिया, बचा कितना 9/10, पर ये 9/10 महेश एंड दिनेश कैसे शेयर करने वाले, अपने पुराने रेशियो में शेयर करने वाले, जिस तरीके से वो पहले इस रेशियो को शेयर करते थे, जिस तरीके से वो पहले आपस में प्रॉफिट शेयर करते थे, कौन सा रेशियो है 2:1, अब वो उसी तरीके से इसे शेयर करेंगे, राइट, 2:1 में, लेकिन कौन सा शेयर, जो नया शेयर आया है, दैट इज 9/10, उसको ये महेश एंड दिनेश कैसे शेयर करने वाले हैं, 2:1 के रेशियो में, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, महेश एंड दिनेश कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट इन एज बिफोर, बट महेश एंड दिनेश कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एज बिफोर। अगर ये लाइन क्वेश्चन में नहीं भी दी होती तो हम ये एज्यूम करते, हम ये मानते, हाँ भाई कि ये जो नया शेयर आया है, ये पुराने पार्टनर्स आपस में कैसे शेयर करेंगे, ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे। न्यू शेयर, ये जो न्यू शेयर है 9/10, विच इज अ न्यू शेयर, इसे पुराने पार्टनर दैट इज महेश एंड दिनेश किस रेशियो में शेयर करेंगे, अपने पुराने रेशियो में, दैट इज 2:1। अगर क्वेश्चन में दिया है तब भी स्पेसिफिकली दिया है, नहीं दिया तब भी, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ अलग दिया हो कि नहीं 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 ये जो नया शेयर है ये पुराने रेशियो में शेयर नहीं करेंगे, क्वेश्चन में दे दिया इस रेशियो में शेयर करेंगे, तो जो क्वेश्चन में दिया है वो करना पड़ेगा, समझे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में जो दिया है कि इस रेशियो में शेयर करेंगे तो वो अप्लाई कर दो, बस दो चीजें समझनी है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो क्या है, पुराने रेशियो में शेयर करेंगे, ये अप्लाई कर दो, इस दो बातों का ध्यान रखो, खत्म। नहीं दिया क्वेश्चन में कुछ तो पुराने रेशियो में, वरना क्वेश्चन ही बोल देगा भाई किस रेशियो में, तो वो दे देंगे, ठीक है, क्लियर, ओके। चल तो अब ये 9/10 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9/10 इंटू 2/3 है, दैट इज 6/10, ओके। और ये 9/10 इंटू 1/3 दैट इज 3/10, ठीक है। तो अब ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया, वन सेकेंड, आई इरेज दिस, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, हो गया 6/10, 3/10। तो अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जी क्या हो गया, 6:3:1, 1 क्यों, उसका तो 1/10 है ही ना, टोटल तो 10 ही बनेगा, 6+3, 9+1, 10, और उसका 1/10 ही है, ठीक है। और देखो इनका आपस में निकाल के देखोगे 6:3, तो वो क्या होगा 2:1, मतलब आपस में इनका रेशियो सेम है, यही तो दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। बट दिस इज आर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके। चलो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम पहले प्रॉफिट्स, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, टोटल 1,20,000 है, किस किस का कितना कितना शेयर है हम निकाल लेंगे, ठीक है। महेश का क्या शेयर आएगा जी, 1,20,000 इंटू 6/10, दैट इज 84,000, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट कौन है जी, दिनेश, दिनेश का शेयर कितना आएगा, 1,20,000 इंटू 3/10, दैट इज 36,000, ठीक है। फिर है राकेश, राकेश का शेयर कितना है, 1,20,000 इंटू 1/10, दैट इज 12,000। अब यहां से सारी गड़बड़ स्टार्ट हो गई, बिकॉज गारंटी, वन सेकेंड, बिकॉज उसने गारंटी दी थी, कहाँ चला गया, पहले चल नहीं रही थी, ठीक है, ओके। 84,000 + 36,000 + 12,
नो मैंने कुछ, एक सेकेंड, 72 है ना ये, मैंने गलती कर दी, 72 प्लस 36,000 प्लस 12,000, राइट, ओके, ये 72,000 आए, ठीक है, ठीक है। अब ये तीनों के शेयर आ गए, हो गया। लेकिन भाई राकेश को तो गारंटी मिली हुई है 25,000 की, 12,000 आ रहा है, मतलब डेफिशिएंसी कितनी आ गई, 13,000 की आई गेस, राइट, 13,000 की, ठीक है, ठीक है, ये आ गई डेफिशिएंसी। अब ये 13,000 की डेफिशिएंसी कौन बेयर करने वाला है, महेश एंड दिनेश बेयर करने वाले हैं। किस रेशियो में बेयर करने वाला है, अब अपना एजम्पशन मत लगाना, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि किस रेशियो में बेयर करने वाले हैं। जाओ क्वेश्चन पे देखो किस रेशियो में बेयर करने वाले हैं, 3:2, ठीक है, दिया है ना, तो ये 13,000 3:2 के रेशियो में बेयर करने वाले हैं, मतलब महेश 13,000 का 3/5 बेयर करेगा, ठीक है, 7,800 बेयर करेगा, और दिनेश कितना बेयर करेगा जी, 13,000 का 2/5 दिनेश बेयर करेगा, दैट इज 5,200, ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसका शेयर 72 ही आया था हमारा, हाँ आया था, दिनेश का 36 ही आया था, हाँ आया था, राकेश का 12 ही आया था, 12, लेकिन हमने गारंटी दी है 25 की, मतलब डेफिशिएंसी हो गई 13,000 की, कौन बेयर कर रहा है, महेश बेयर कर रहा है 7,800 की, राइट, 1,700 माइनस कर दो, इसका शेयर आ गया 64,200, ठीक है, दिनेश का शेयर आया 36,000, लेकिन उसमें से वो 5,200 की डेफिशिएंसी बेयर कर रहा है, माइनस कर दो, आ गया 30,800, और ये 12,000 है, इसकी जो 13,000 की डेफिशिएंसी है, महेश से मिल गया इसको 78, दिनेश से मिल गया इसको 52, टोटल हो गया 25, सिंपल, ठीक है, ये तो बहुत इजी, हम ऐसा क्वेश्चन कर भी चुके हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने आपको पहले ही निकालना सिखा दिया, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, ध्यान से अच्छे से इस इलस्ट्रेशन को समझना, न्यू कॉन्सेप्ट पे है, अच्छे से ध्यान देना। चल इसमें क्या दिया हुआ है, नुसरत सोनू एंड हिमेश आर पार्टनर्स जो शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस 5:3:2 के रेशियो में, ठीक है जी, मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, किसका, नुसरत का, सोनू का एंड हिमेश का, इतना डेटा हमें दिया है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करनी है 10% से, ठीक है। नुसरत सोनू एंड हिमेश की पूरे साल में कितनी ड्रॉइंग्स रही हैं, नुसरत की रही है 20,000 की, सोनू की रही है 15,000 की, और हिमेश की रही है 10,000 की, ठीक है जी, ओके। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन, हमें नेसेसरी एडजस्टिंग जनरल एंट्री करनी है, जो हमने रेक्टिफिकेशन पास्ट एडजस्टमेंट समझा है उसके बेस पे ये क्वेश्चन है, मतलब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था जो नहीं लिया है, गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है, चार्ज नहीं किया है। अब मैं बताती हूँ कि हमने गलत तो कर दिया, पहले हम कैलकुलेट कर लेते कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आखिर आएगा कितना, ठीक है, नुसरत 20,000 का 10% दैट इज 2,000, देन सोनू एंड हिमेश, ठीक है, इसका 15,000 का 10% और इसका 10,000 का 10%, ठीक है, ये आ जाएगा 1,500, ये आ जाएगा 1,000, क्लियर, इतना क्लियर है। अब देखो क्या हुआ होगा, आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी,
आपके लिए फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसकी इनकम है राइट, लेकिन पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो एक बोझ है राइट। फॉर्म के लिए लेकिन क्या है, बल्ले बल्ले पार्टनर से इंटरेस्ट मिल रहा है, फॉर्म के लिए तो इनकम है। पीएनडल अकाउंट वाली नहीं, पीएनडल एप्रोप्रिएशन वाली, बिकॉज पार्टनर से मिल रही है ठीक है ओके। तो चलो इनकम है, लेकिन अब वो इनकम डायरेक्टली तो पार्टनर्स देते नहीं है, है ना। पार्टनर से जो भी डीलिंग करनी होती है वो कैसे होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ठीक है। तो मतलब क्या होना चाहिए था, नुसरत, सोनू, हिमेश, इन तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था ठीक है। कितने कितने से, 2000, 1500, 1000, और ये कहां जाता, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ठीक है। कितना आता जी, 3,4,500 है ना, हाँ ठीक है। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिर्फ कहाँ जाता, पीएनडल एप्रोप्रिएशन में जाता, पीएनडल अकाउंट में नहीं, पीएनडल एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन, वन सेकेंड, वन सेकेंड गाइस ठीक है। हम लोग कहां थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने निकाल दिया। अब ये कहां जाता, पीएनडल एप्रोप्रिएशन में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 4500 टू पीएनडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4500। अब देखो आप इसका इफेक्ट समझो क्या हो रहा था, मैं आपको सारा इफेक्ट समझा रही हूं ठीक है। हम क्या करते, पीएनडल एप्रोप्रिएशन जब आप बनाते उसमें बाय पीएनडल तो आप लिखते जो भी प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने नहीं लिखा है, वैसे आपको लिखना होता ना, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप लिखते, लिखते कि नहीं लिखते, आपने ये नहीं लिखा है लेकिन ये आपको लिखना था ना, है ना। डोंट वरी, कुछ टेक्निकल इश्यू है बट हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको लिखना था, पीएनडल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना था जो आपने ट्रांसफर नहीं किया, तो ये आपको ट्रांसफर करना चाहिए था जो आपने नहीं किया राइट। तो अगर आप इसे समझो, इसे ट्रांसफर करते तो पीएनडल एप्रोप्रिएशन की ये क्रेडिट साइड भर जाती, कितने से, 4500 से ये क्रेडिट साइड भर जाती, तो पीएनडल एप्रोप्रिएशन का जितना भी टोटल है वो डिस्ट्रीब्यूट किस में होता है, सारे के सारे पार्टनर्स में। मतलब क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट दिया है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर हमने पार्टनर्स से लिया होता तो वो भी हम उनसे लेते तो क्रेडिट कर देते, लेकिन अल्टीमेटली ये सब कुछ बढ़ता किसको, पार्टनर्स को बढ़ता, लेकिन लेकिन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता। मतलब ये 4500 इन तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता ठीक है मैम। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3:2 ओके। चलो अब ये एंट्रीज तो मैंने समझाने के लिए की थी, इसे मैं हटा रही हूं। अब ध्यान से सुनो, अब है मतलब ये 4500 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता 5:3:2 ठीक है। तो मतलब नुसरत का कितना शेयर आता, 5:3:2 राइट, 10 ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2250 ठीक है। उसके बाद है हमारा कौन सा पार्टनर है, फिर सोनू, पता नहीं आज टेक्निकल इश्यू तक क्यों आ रहा है। सोनू
सोनू का 4500 इंटू कितना है 3/10, दैट इज 450 इंटू 3, 1350, ठीक है। देन है हिमेश, हिमेश का 4500 इंटू आता 2/10, दैट इज 900, ठीक है। ओके, एक बार मैं रीचेक कर लेती हूँ, 5:3:2 ही है ना, एक तो ये टेक्निकल इशू की वजह से 10 भी मूव नहीं कर रहा, 5:3:2 ही है, ठीक है, 10% ही है। ओके जी, सब क्लियर। अब देखो ध्यान से, मुझे एक बात बताना, बहुत ध्यान से आप लोग कॉन्सेंट्रेट करो, खुद मुझे निकाल के दिखा दोगे आप। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो सारा प्रॉफिट है ये अल्टीमेटली जाता तो पार्टनर्स को ही, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता, होता कि नहीं होता, राइट? ये सब है क्रेडिट। मतलब ध्यान से सुनो, नुसरत का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 2000 से और क्रेडिट होना चाहिए था 2250 से। ये दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं हुआ है। नुसरत का, यहां मैं आपको दिखाने के लिए यहां पे कर रही हूं, नुसरत का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 2000 से डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए था 2250 से, तो अल्टीमेटली 250 से नुसरत का कैपिटल अकाउंट होना चाहिए था क्रेडिट। आज ये पेन ने ठान लिए कि हम नहीं चलेंगे। जल्दी चल मेरे भाई, पर मैंने भी ठान लिया आपको ये सम करवाऊंगी ही मैं, ठीक है। 250 क्रेडिट होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था 2000 से, क्रेडिट होना चाहिए था 2250 से, तो अल्टीमेटली कितने से क्रेडिट होना चाहिए था 250 से। चलो आ जाओ सोनू पे आ जाओ। सोनू का कैपिटल अकाउंट 1500 से डेबिट होना चाहिए था, 1350 से क्रेडिट होना चाहिए था, तो अल्टीमेटली 150 से क्या होना चाहिए था, डेबिट। अब आ जाओ हिमेश के ऊपर, हिमेश का 1000 से डेबिट होना चाहिए था, 900 से क्रेडिट होना चाहिए था, तो अल्टीमेटली 100 से डेबिट होना चाहिए था। समझ आया? देखो ध्यान से फटाफट फटाफट सब मेरे साथ सुनेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था फॉर्म को, जो फॉर्म लेना भूल गई, ये मिस्टेक हो गई। तो हमने क्या किया, अच्छा फॉर्म लेना भूल गई, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया, जो आ रहा है 2000, 1500 हमारा आ गया, ठीक है, मतलब टोटल 4500। ये 4500 हर पार्टनर से लेना था, पार्टनर से लेना था मतलब उनका कैपिटल अकाउंट कम करना था फॉर्म के लिए इनकम। तो हर पार्टनर का, नुसरत का कैपिटल अकाउंट, सोनू का कैपिटल अकाउंट, हिमेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता एंड क्रेडिट क्या होता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ये सारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिकॉज फॉर्म के लिए इनकम है, कहां जाएगी, बिकॉज पार्टनर से मिली हुई इनकम है, कहां जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगी। अब जैसे ये सारी इनकम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगी, जो नहीं गई अभी तक, जाएगी, तो क्या होता, जो प्रॉफिट है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन उसे बढ़ा देता, राइट? पीएनएल एप्रोप्रिएशन बढ़ जाता बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे चला जाता, तो उससे क्या होता, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बढ़ जाएगा, राइट? 4500 से हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बढ़ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर 4500 से पीएनएल एप्रोप्रिएशन बढ़ जाएगा तो वो एज प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, है कि नहीं? तो इससे नुसरत का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 2250 से, सोनू का क्रेडिट होगा 1350 से और हिमेश का क्रेडिट होगा 900 से। ओके जी, क्लियर। अब क्या होगा, देखो नुसरत का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 2000 से, क्रेडिट होना चाहिए था 2250 से, तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए था, नेट में क्रेडिट होना चाहिए था 250 से। सोनू का कैपिटल अकाउंट 1500 से होना चाहिए था डेबिट और 1350 से होना चाहिए था क्रेडिट, तो नेट में क्या होना चाहिए था, 150 से डेबिट। हिमेश का कैपिटल अकाउंट 1000 से होना चाहिए था डेबिट और 900 से होना चाहिए था क्रेडिट, तो नेट में क्या होना चाहिए था, 100 से डेबिट। अब जो होना चाहिए था वो हमें करना है चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए, राइट? ठीक है, तो बस हम एक एंट्री मारेंगे, कौन सी एंट्री, देखो सोनू का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, कर दो डेबिट। हिमेश का कैपिटल अकाउंट
हिमेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, हो जाओ डेबिट कितने से, ये 150 ये 100, और नुसरत का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था जी कितने से, 250। ये हो गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री, पास्ट एडजस्टमेंट डन और क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने अब अपने सारे इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लिए हैं पार्टनरशिप बेसिक्स के। ओके, हम नेक्स्ट सेशन से इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस विद फुल प्रेजेंटेशन करेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि एग्जाम में आपको इसे कैसे प्रेजेंट करना है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली, एंड प्लीज टू वॉच ऑल द वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लीज सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।